सागर के रहली नगर पालिका द्वारा आयोजित हितलाभ वितरण कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा कांग्रेस सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर और लाडली बहनों को 1500 रुपए प्रति माह देने वाले बयान पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ये ख्याली पुलाव है, चुनावी हथकंडा है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछली बार भी किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ और 4000 बेरोजगारी भत्ता देने सहित कई और वचन दिए थे जो अब तक पूरे नहीं किए। लाडली बहना योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, लोगों को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। चुनाव की मेला में कोई कुछ भी कहता है, मेरा देश के प्रदेश के सभी लोगों से कहना है उसको सत्य नहीं है। पिछली बार भी कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी करेंगे 2 लाख रुपया, 4000 रुपया बेकारी भत्ता देंगे और भी अनेक प्रकार की घोषणाएं की थी। कन्यादान तक के तो पैसे नहीं दिए, कफन के पैसे खा गए, संबल योजना बंद कर दी। कितने उदाहरण बताएं कि चुनाव में वोटें लेने के लिए राजनीतिक दल और नेता ये सब हथकंडे अपनाते।